सब्सक्राइबर खाएंगे हम अरे सॉरी आप आ गए क्या खाएंगे मतलब नॉट खाएंगे सब्सक्राइबर चाहिए हमको। सो आज हम लेकर आए आपके लिए चार्ली का ट्रेलर रिएक्शन। सो बने रहिए। वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। मैं हूं निमेश परमार। मैं हूं सोफी परमार। मैं हूं मंजुला परमार। और ये है हमारा चैनल निम्मी सोफी और मम्मी। तो क्या बोलूं? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि आज हम एक मलयालम मूवी का ट्रेलर रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है चार्ली, जो आप लोगों ने काफी कमेंट करके हमें बोला था कि इसका रिएक्शन करो, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। सो इस मूवी में दुलकर सलमान पार्वती और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रकट ने। सो ये मूवी आ चुकी है काफी पहले, मुझे नहीं मालूम कितने पहले, 2015 में इसका ट्रेलर आया था। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें बगैर मत जाइए। प्लीज शुरू करें, करते हैं। यही म्यूजिक के साथ में हमने देखा है। वो भगवान का कुछ फेस्टिवल था क्या? हाँ क्या हुआ? നമ്മുടെ റോസിക്കുന്ന ടീമല്ല മില്ല वो भाई लुक तो बहुत गजब है। कातिल लुक है यार, कातिल। इसमें जैसे वो नॉक नॉक कर रहा था ना, मेरा बेरी कौन आया? मेरे को तो मतलब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मतलब इस मुझे तो मैजिशियन शायद मैजिशियन है इनको लगा, मैजिशियन। और मेरे को लगा कि काफी उसमें वो थे मतलब कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड परफॉर्मेंसेस होती है शायद वहां होती होगी केरला में। मुझे ऐसा लगा कि फेस्टिवल है उस टाइम पे, शायद ये मैजिशियन वहां पे गया हो और कुछ मर्डर वगैरह भी हुआ है। पर मेरे को आखिरी में फिर ऐसा लगा कि शायद दुलकर सलमान को जो पार्वती है वो ढूंढ रही थी और आखिरी में आके उसको मिल गया। क्यों ढूंढ रही थी, क्या था वो, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब स्टोरी क्या हो सकती है, पर देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। जस्ट सबसे पहले तो लुक लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और मेरा दिल आ गया है दुलकर सलमान का। बहुत हैंडसम चार्मिंग पर्सनैलिटी है और जिस तरह से लुक चेंज होता है ना तो वो मुझे काफी अट्रैक्ट करता है। जो कि अभी एक न्यू मूवी आने भी वाली है दुलकर सलमान कुरुप, उसमें भी काफी डिफरेंट लुक है। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि किसी रियल स्टोरी के ऊपर वो मूवी बन रही है, तो मुझे दुलकर के जो लुक चेंज हो रहे हैं वो मुझे देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। और जैसे कि हाइट हेल्थ पर्सनैलिटी जो है ना, तो उस हिसाब से ना लुक भी बहुत अच्छा चूज कर रहा है। एंड इसमें जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल जो यूज किया है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि दुलकर सलमान इन्हें ऐसे कपड़ों में भी अच्छा लग सकता है। अच्छा लगा मेरे को, हीरो बहुत अच्छा लगा, उसकी ड्रेस जो हाँ, पहने हाँ, कपड़े, कपड़े वो अच्छे थे, सभी को पसंद आए शायद। हाँ मूवी आपको समझ है? मूवी मतलब थोड़ी इतनी ज्यादा समझी नहीं, पर देखूंगी मैं आएगी तो। हिंदी में नहीं है कि आप प्लीज बता दीजिए, प्लीज कमेंट करें। मम्मी बहुत अच्छा याद दिला दी, मम्मी की वजह से हिंदी का याद आ जाता है, तो अगर हिंदी में है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एक और चीज को इंटरेस्टिंग बनाती है कि मूवी का सिनेमेटोग्राफी बहुत ब्राइट एंड गुड लगता है, क्लियर क्लीन पिक्चर।
एकदम साफ सुथरा सब कुछ लगता है दिखाई देता है। इस टाइप की क्लैरिटी हमने दुलकर सलमान के एक और मूवी में देखा था जो अपने हिंदी में देखे थे, याद है वो डेड बॉडी वाली मूवी थी हिंदी में, मेरे को भी ऐसा लग रहा था देखा ऐसा लग रहा था। मिथिला पालकर के साथ में नहीं किया वो डेड बॉडी कारवा मूवी में, उस टाइप का सिनेमाटोग्राफी वैसा ही, क्योंकि साउथ में ही शायद शूट हुआ था, तो आपने भी देखे ना वो गाड़ी वो पूरा लेके जाता है गाड़ी वगैरह, तो उसमें भी इसी टाइप के सीन थे उसमें, मतलब क्लियरिटी जो मैं क्लियरिटी की बात कर रही हूँ, ग्रीनरी जो था। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो केरला से है, हम कभी केरला गए नहीं, एक्चुअली केरला के बैक वाटर्स में जाने की बड़ी इच्छा है, बहुत प्यारी जगह है, आई विश मैं एक दिन आऊँ वहाँ पर घूमने के लिए। इस रिएक्शन को यहीं खत्म करते हैं आप, और आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन प्लीज आप कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और देखिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है निम्मी सोफी और मम्मी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सही लगा ना मुझे कलर कलर कलर।